बात यूएस की करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के, क्योंकि एक अच्छी ऑप्शन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए जहां पर इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा रहता है, लेकिन इंटरव्यू को लेकर स्टूडेंट्स के सवाल अक्सर बने रहते हैं। तो सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, आपको बताएंगे अगर आप यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट प्रोसेस, सही ऑप्शन जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर और डिटेल में ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, आज के टाइम में बात करें वैसे तो यूएस अपने आप में अपनी स्टेबिलिटी लेकर हमेशा लगातार उसी पिच पर चल रहा है कि जिसकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है, पर आज के टाइम में देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप देखते हुए सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को और किन प्रोफाइल्स को स्पेशली आप कहना चाहेंगे कि यूएस उनके लिए ही है और उनको टाइमली अप्लाई करना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी बहुत सारे सवाल है हमारे पास के क्या अपडेट है अपॉइंटमेंट्स को लेकर। यूएसए के ये टाइम टू टाइम खुलती हैं जी। वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम ये अपॉइंटमेंट खोल रहे हैं। जो यूएस का टोटल प्रोसेस है ना, अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो दे नीड सम टाइम, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है पोर्टफोलियो के हिसाब से होता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए एवरेज यूनिवर्सिटी है, उनके लिए I-20 15-20 डेज में मीन्स पहले अप्लाई करना पड़ता है फॉर लेटर, फिर I-20। तो I-20 के लिए अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड प्रोफाइल, तो उसको स्कॉलरशिप अच्छी लगती है। और अगर प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन यूएस में जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं, आइल्स किया या नहीं किया, उनका कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बना के वीज़ा ऑफिसर से बात कर सकें। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो इनका वीज़ा ख़राब नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ बच्चे आए कि वीज़ा वॉज नॉट सक्सेसफुल, जब मैंने उनसे बात की तो उनका लोकल लैंग्वेज का टच ज़्यादा था, तो आपको लैंग्वेज पे थोड़ा अपना काम करना पड़ेगा। स्टेप्स की हम बात करें, पहले आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जो कि आपके ऑफर लेटर में लिख के आता है आपकी 1 ईयर की फ़ीस, 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि यूएस डॉलर के रेट काफ़ी रहता है 85 के अराउंड मेरे ख्याल है, तो वो आपको जो हर एरिया का, हर स्टेट का लिविंग एक्सपेंसेस अलग होता है अकोमोडेशन का, तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके भेजते हैं। लेकिन जो मेरे देखने में आया है वो ऑलमोस्ट 30 लाख तो आपको मिनिमम शो करने पड़ते हैं। किसी का 35 भी हो सकता है, किसी का 40 भी होता है, डिपेंड ऑन द कोर्स, यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी है, कोर्स कितना एक्सपेंसिव है। अगर आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा लगी है तो नेचुरल है कुछ कम शो करना पड़ेगा। अब इसमें जो एक इजी क्या हो जाता है स्टूडेंट के लिए, कि ये पर्टिकुलर नहीं है कि आपके 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए, 6 मंथ ओल्ड चाहिए, आपके कुछ दिन 5-10 दिन पहले भी डालने हैं तो दे कैन एक्सेप्ट। यूनिवर्सिटी में 1 दिन पहले डाल के भी आप स्टेटमेंट भेज सकते हो। 5-10 दिन मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे आप हमारे पास आए, इंक्वायरी आपकी क्रिएट हुई, आप एनरोल हुए हमारे पास, तो जब तक आपका ऑफर लेटर आता है तब तक आप उस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, डाल सकते हो। फिर I-20 आपका आता तभी है जब आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर दिए। I-20 आने के बाद आपकी सर्विस फीस जाती है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर फीस $350 के अराउंड, एंड फिर आपकी वीज़ा फीस जाती है। तो आपका ये टोटल प्रोसेस है जिसमें कि आपकी दैट मीन यूनिवर्सिटी फीस वीज़ा के बाद जाएगी, तो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री है, टाइम बचाता है। टाइम कैसे बचा रहा है कि सेम डे वीज़ा डिसीजन है। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपको 2 दिन में कोरियर हो जाएगा, या बाय हैंड लेना है तो यू कैन रिक्वेस्ट देम, और अगर बाय हैंड नहीं ले, और अगर उन्होंने पासपोर्ट आपको वैसे ही दे दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो मीन्स आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं हुआ और आपकी फ़ीस नहीं गई, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पहले फीस जाती है तो वो फीस रिफंड का भी अप टू 3 मंथ्स का प्रोसेस रहता है। तो यूएसए अगर खाली एक डेट के स्लॉट्स
कि प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज यूएस से ज़्यादा अच्छी कंट्री हो ही नहीं सकती जिसमें हर चीज़ बहुत क्विक है। सबसे अच्छे जो आईटी के कोर्सेज पूरे वर्ल्ड में, आईटी के बेस्ट कोर्सेज यूएसए में मिलते हैं, बट स्टूडेंट का जो है आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर ने 2-3-4 क्वेश्चन पूछने होते हैं, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट इंडिया, या जो कोर्स आप कर रहे हो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, और ये पढ़ने के बाद हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस, या आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में I-20 अप्लाई की है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तो US का वीज़ा सबसे जल्दी लगता है। जी जी बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस कितना इजी है और कैसी प्रोफाइल्स हैं जिनको जल्दी कर लेना चाहिए और जो बेस्ट सूटेबल भी मानी जा सकती हैं यूएस के लिए। और इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, मैम ने इंटरव्यू को लेकर भी आपको अच्छी तरह से पूरा समझाया है कि कैसे आपने अपनी इंटरव्यू क्लियर करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा, तो आप इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यूएस का प्लान कर रहे हैं तो टाइमली जो है अप्लाई ज़रूर कीजिए, जो नंबर डिस्प्ले है इस पर ही कॉल करके आप पूरी जानकारी जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आप आज की वीडियो में आपने यूएस को लेकर कई पॉइंट जो है स्टूडेंट्स के क्लियर कर दिए हैं। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।